नाउ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर। इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से आपको ध्यान से समझना है कि जो पॉलीमर है उनको कैसे तैयार किया जा सकता है, उनके क्या मोनोमर यूनिट्स क्या है, और उनकी एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी हम साथ के साथ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने तरह के पॉलीमर मेजरली हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारा इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया है, लेकिन हम इनको अभी फिलहाल एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के तौर पे इनको ड्राइव करने वाले हैं एग्जांपल और उनके एप्लीकेशन पार्ट को भी, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये पॉलीथीन का। ठीक है, तो पॉलीथीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा है हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों के ही मोनोमर यूनिट सेम है, बट उसकी जो कंडीशंस हैं पॉलीमराइजेशन करने की वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो लो डेंसिटी, जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है, इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो कि मैं फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ डेजिग्नेट किया है। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा घरों में भी बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल यूज में आते हैं, जो एक बहुत एक फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा बहुत एक हार्ड भी होते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो समझ लो कि वो लो डेंसिटी पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं, और उसमें वो ज़्यादा देर तक, काफ़ी देर तक वो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, टूटते नहीं हैं जल्दी से। और जो हार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, ऐसा जो समझ सकते हैं। लो डेंसिटी पॉलीमर फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, तो ये मैंने उसकी कंडीशन लिखी है। इथीन का एज ए मोनोमर यहाँ यूज होने वाला है, एंड आपको पता चल गया होगा अब तक एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन टू। अब ये बोलते हैं 350 से लेकर के 570 कैलोरी टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो इनिशिएटर होगा इस रिएक्शन का वो कौन सा है, ट्रेसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या किया जाएगा यहाँ एज ए इनिशिएटर यूज होगा, जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हमने समझा है, वहाँ एग्जाम्पल लिया था बेंजोइक परऑक्साइड का, बट ऐसा ही कुछ इसका बिहेवियर होता है ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन का, और ये इसका प्रेशर है। जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो इसका इतना जो इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ये समझिए ये उसको सेटअप करना पड़ेगा, सो दैट हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीमर बन जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा इसका क्या ओवरऑल मीनिंग है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीथीन, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, देयर इज नो नीड टू डेमोंस्ट्रेट, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा पता है एप्लीकेशन के पार्ट में। तो फिलहाल हमें एग्जामिनेशन पार्ट में इसको लिखना है। तो प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फिल्म्स, छोटी छोटी पतली लेयर्स है ना, थिन लेयर्स प्लास्टिक की कहीं भी यूज हो जाती हैं। ठीक है जी, इसको लो डेंसिटी पॉलीमर के एग्जांपल में हम इंक्लूड करते हैं। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल है ना, समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो लेवलिंग होती है वो भी एक तरह से लो डेंसिटी पॉलीमर से ही उसको हम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास बोटल्स हैं, कुछ ऐसी बोटल्स होती हैं जल्द जल्दी पिचक जाती हैं, तो उन बोटल के भी ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंसिडर कर लिया है। वायर्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, हाउस वेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं एप्लीकेशन जो कि लो डेंसिटी पॉलीमर का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बोथ एग्जाम्पल पॉलीथीन एग्जाम्पल। So now we are going to know about high density polythene. So friends, both have low density polythene and high density polythene have same monomer unit. That is very important thing. But different conditions. ठीक है, तो इसका जो balance होगा बिल्कुल different है। पहले वाले जो low density polythene था उसमें हम traces of oxygen add करते थे, तो यहाँ हमारे पास जो catalyst है वो single है ना कैटालिस्ट है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू
लो डेंसिटी मॉलिक्यूल। तो ये कितने में काम कर रहा है, 333 से लेकर के 343 केल्विन के बीच में इसका टेंपरेचर होना चाहिए, और इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत ही कम है। उसका लो डेंसिटी पॉलीथीन का आपने नोट किया होगा कितना था, यस 1000 से लेकर के 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर की ओर एक्शन थी। लेकिन इसके बिल्कुल डिफरेंट ये इसकी कंडीशंस हैं, आप देखिएगा ये। अब ज़िगज़ैग मेटा कैटालिस्ट क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई एल्युमिनियम ट्राइथाइलीन, ये देखिएगा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है ज़िगज़ैग मेटा कैटालिस्ट। तो आपको पता होगा कैटालिस्ट का क्या फंक्शन होता है, कैटालिस्ट ऑलवेज एक्सेलरेट द रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, बट ये जो प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट में नहीं बनता, केमिकल इंटरेक्शन नहीं होती है कैटलिस्ट की, बस वो उसको पुशअप करता है, स्पीड बढ़ाता है, कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। और अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन हाई डेंसिटी पॉलीथीन हार्ड होता है तो प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल्स, कुछ भी लिख दें आप चल जाएगा, पैकेट है, डस्टबिन है, पाइप्स है, हाउसवेयर पाइप्स, बोतल्स हैं, क्वाइस हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन थोड़ा सा ये हार्ड होता है, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर को देखते हैं। सो नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो है पॉलीप्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन मतलब समझ में आ गया होगा, पॉली प्लस प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है आपको पता होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, प्रोपीन 1 2 3 कार्बन है, इसको पॉलीप्रोपीन को मैंने पहले ये लिखा है 1 2 3, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको इस पूरे यूनिट को मैं यहाँ लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये देखिएगा, इसको अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी कंडीशन भी यही है कि प्रोपीन को पॉलीप्रोपीन में बनाने के लिए हमें ज़िगज़ैग मेटा कैटालिस्ट का यूज करना पड़ेगा, और ये आपके सामने है इसका कम्बिनेशन, ठीक है। और ये करने के बाद और हमारे पास पॉलीप्रोपीन बन रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक हुआ, एक कोई सा भी मान लो इस जगह पे और नेक्स्ट इस कार्बन पे, तो इस पे आएगा, तो ये लिखा मेंशन, इसको इस फॉर्म से किया, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के पास इस तरह से आगे जा करके ब्रेजिंग हो जाएगी, जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा पॉलीप्रोपीन, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और इसके एप्लीकेशन पार्ट में आ जाए, कार्पेट फाइबर, बहुत सारे कार्पेट फाइबर में यूज होता है, रोप्स है, क्वाइज है, बॉटल है, और बहुत सारे प्लास्टिक की या इससे मटेरियल जो है बनता है इससे पॉलीप्रोपीन से, ठीक है, सिंपल सा है ये। बस इस चीज का ध्यान रखें कि कैटालिस्ट जो है इसमें भी ज़िगज़ैग मेटा कैटालिस्ट ही यूज होने वाला है। और इसमें फ्रेंड्स एक और बात बताता चलूं कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी होता है प्रोपीन का, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ हमारे नेक्स्ट पॉलीमर एडिशन पॉलीमर, दैट इज पॉलीस्टीरीन, ओके पॉलीस्टीरीन। तो यहाँ मैंने सारा इसमें लिख दिया है, स्टीरीन से क्या मिलकर बनता है, पॉलीस्टीरीन बनता है। तो स्टीरीन का फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, स्टीरीन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर ये डबल बॉन्ड टू कार्बन के साथ जो कि आपको बनाना है, और फॉर दिस पॉलीस्टीरीन वी नीड बेंजोइल परोक्साइड एज ए इनिशिएटर, ठीक है। बेंजोइल परोक्साइड को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं, बेंजोइक परोक्साइड एक ही बात आई, तो बस याद रखना है आपको, एन नंबर है बस, और ये जोड़ते चले जाना है ना, ये डबल बॉन्ड ये आपको समझ में आ गया होगा क्या से इसमें सिस्टम है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर
ऑफ पॉलीस्टीरीन। सो एप्लीकेशन पार्ट में जल्दी से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, रैपिंग मटेरियल में यूज होता है, लिखा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में यूज होता है ये पॉलीमर क्वायर्स बनाने में, और ये जितना भी टेलीफोन या रेडियो और टेलीविजन की कैबिनेट होती है या बॉडी होती है उसमें भी पॉलीस्टीरीन यूज में हम लेते हैं, और एज ए इंसुलेटर दिस पॉलीस्टीरीन स्टीरीन कैन बी यूज्ड। ओके सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। हम स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलीमर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए भी हमारे पास जो कैटलिस्ट रहेगा वो भी बेंजोइक पेरोक्साइड ही यूज में आने वाला है। तो विनाइल क्लोराइड को बोलते हैं जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन एज ए हैलोजन, और ये हैलोजन मतलब कि क्लोरीन जो है डायरेक्टली कार्बन के साथ, और ये नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड होता है। तो एक्चुअली विनाइल क्लोराइड क्या है, वन क्लोरो इथीन है, वन क्लोरो वन टू, ठीक है, वन क्लोरो इथीन का ही फॉर्म है, कॉमन नाम है ना, वन क्लोरो इथीन को हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और बेंजोइक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या हो जाएगा, चेंज बनती चली जाएगी, और उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड हम कह देंगे, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, वाटर पाइप्स बहुत सारे इसके एप्लीकेशन में यूज होता है, वाटर पाइप भी देखिए, रेन पॉटिंग लिखा है, हैंड ड्राई है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में ये हमारे पीवीसी यूज होती है, पता होगा आपको, और उसमें स्पेशली वायर्स एंड केबल मैंने आपको यहाँ मेंशन भी करके दे दिया है, ठीक है। बहुत कॉमन से इसके एप्लीकेशन है, इसमें भी पॉलीथीन है हमारे पास, हाउस होल्ड थिंग्स में यूज होते हैं ये सभी के सभी। सो फ्रेंड्स यू कैन सी द नेक्स्ट पॉलीमर दैट इज टेफ्लोन पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लोन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन से हमें क्या पॉलीमर मिल रहा है, टेफ्लोन मिल रहा है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग करने की वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी ना, और वो है अंडर हाई प्रेशर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अंडर हाई प्रेशर इट रिक्वायर। एक्जैक्टली यहाँ जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो कौन सा है, अमोनियम पर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम पर सल्फेट आपके सामने ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये हमें चाहिए, ठीक है। सो टेफ्लोन ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, और इसके एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, ऐसे यूटेंसिल्स आपने घरों में देखे होंगे जो जिसमें खाना जो है आगे चिपकता नहीं है, तो उसमें ये समझ लीजिए आप टेफ्लोन जो है यूज होता है, वो भी एक पॉलीमर का ही पार्ट है, पॉलीमर है, ठीक है। गैसकेट्स हैं, सील्स में भी ये टेफ्लोन यूज होता है। तो गैसकेट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपने घरों के अंदर जैसे कि प्रेशर कुकर देखा होगा, तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी पर्पस के लिए उसके जो ढक्कन होता है ना उसके ऊपर एक रबड़ का पार्ट होता है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, तो उस तरह का जो ऑब्जेक्ट है ये समझ लीजिए उसको हम क्या बोलते हैं, गैसकेट बोलते हैं, ठीक है। और कहीं प्रेशर को ऑयलिंग को रोकना पड़ जाता है, और उसके लिए हम एक छोटे छोटे एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगाते हैं, ये समझ लीजिए रबड़ का होता है या किसी दूसरे मटेरियल का, तो उसको हम सील्स बोल रहे हैं, ठीक है। वो सभी किससे मिलकर बना हुआ होगा, और टेफ्लोन से ही मिलकर के बना हुआ होगा। सो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, ऑफ टेफ्लोन। ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। और फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉलीमर, और इस पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। क्या नाम है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, पान, PAN। और फ्रेंड्स इसको हम ओरलोन भी बोलते हैं, और एक्रिलेन, क्या नाम है, एक्रिलेन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रिलेन, ठीक है। एक्रिलेन, ओरलोन, पान, ये सभी क्या है, इसी की फॉर्म है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड की ही दूसरी फॉर्म है।
जहां भी नाइट्राइल लग जाता है, समझना पड़ेगा आपको नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ, जहां साइनो ग्रुप लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या जाएगा यहां साइनो, ये देखिए CN, ठीक है। तो इसको हम एक्राइलो नाइट्राइल का फार्मूला बोल सकते हैं, CH2CH और ऊपर क्या लगा दिया साइनो CN। तो इसको इस फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं CH3CH CN, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग कार्बन की इस कार्बन से होनी चाहिए और इसमें कार्बन इंक्लूड होता है जब हम इसमें वर्ड रूट की बात करें ना, जब इसकी आईयूपीएसी नॉमिनेशन को समझते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है तो इसको हम टॉपिन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्राइलो नाइट्राइल को दूसरी फॉर्म में इस तरह से टॉपिन नाइट्राइल कह सकते हैं। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनिशिएटर दैट इज परोक्साइड, इसमें दैट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग या यू कैन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो वो है परोक्साइड, बेंजोइक परोक्साइड या कोई दूसरा परोक्साइड होगा वो यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बनने वाले हैं, ये पॉलीमर है, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और एप्लीकेशन पार्ट में जल्दी से आ जाते हैं। और एप्लीकेशन में ब्लैंकेट्स में, कारपेट में, क्लोथ में और दूसरे ये पॉलीमर्स होते हैं बहुत सारे, उनकी बहुत सारे ये क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं, उसमें भी हम इस ऑर्गोन को या पान ये को ऐड कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ अदर पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये इसका यूजेस रहेगा, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक अनदर पॉलीमर का एग्जांपल हमारे पास, दैट इज पॉलीमिथाइल विथ एक्रिलेट। क्या नाम रहेगा, पॉलीमिथाइल विथ एक्रिलेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, PMMA। क्या बोलते हैं, PMMA। तो ये इसका फॉर्मूला है, मोनोमेरिक यूनिट है किसका, PMMA का। तो मिथाइल विथ एक्रिलेट फार्मूला आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। और अंडर दिस कंडीशन 390 केल्विन टेंपरेचर एंड बेंजोइक परोक्साइड दैट इज इनिशिएटर, आपको बता दिया है काफी यूज हुआ है बेंजोइक परोक्साइड। तो ये देखेंगे इसको स्ट्रक्चर जो है ये PMMA का आपके सामने है, ये जो डबल बॉन्ड है यही आगे जाकर के यहाँ एरो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से एरो लगा हुआ है बाहर ये लाइन से, तो सिंगल और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आगे फर्दर जुड़ता चला जाएगा एंड नंबर ऑफ है ना मोनोमर यूनिट्स जुड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, PMMA, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट को भी जल्दी से समझ लेते हैं। एप्लीकेशन में देखिए एयरक्राफ्ट में जो प्लास्टिक ज्वेलरी लेंसेज डॉम्स एंड स्काई लाइट, तो यहाँ जो ये जो पॉलीमर है इसकी खासियत है ये लाइट को थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है और अलग अलग हमें शाइनिंग देता है, शेड देता है, इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन पार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये ज्वेलरी